मैं माँ हूँ, धरती माँ। उसके मन की दशा का कौन अनुमान लगा सकता है, जिसके जीवन की सारी आशाएं बस एक स्वप्न पर सिमट आई हों और स्वप्न उसके सामने यूं टूट जाए जैसे दर्पण हाथ से गिरकर चकनाचूर हो जाए। एक वाक्य, एक सूचना, एक क्षण उसके जीवन भर की आशाओं पर पानी फेर दे। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का सामना आज उसी क्षण से है। महामंत्री सुमंत के मुख से ये सुनते ही कि श्री राम वापस नहीं आएंगे, दशरथ को यूं लगा जैसे सारी आयु बस एक क्षण में सिमट आई है। मैं जानती हूं कि ये क्षण जब बीतेगा तो अपने साथ न जाने क्या कुछ ले जा चुका होगा। महामंत्री सुबंध अभी तक नहीं आए। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं महाराज। सुमंत, सुमंत, राम कहाँ है? राम महाराज, राम, राम कहाँ है? महाराज आप लेटे रहिए, नहीं तो दुर्बलता और बढ़ जाएगी। महाराज, श्री राम ने कहा है उनके लिए संसार में अपने पिताश्री के प्राण से बढ़कर कुछ नहीं है। महारानी कह कही को दिए आपके प्रण को पूरा किए बिना वापस अयोध्या नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा है यदि आप चाहें तो वन में उन्हें दर्शन दे सकते हैं। मैं जानता हूं महाराज, ये निर्णय लेते समय श्री राम को कितनी पीड़ा हो रही थी, किंतु यह श्री राम का निर्णय है, इसे मैं तो क्या, संसार की कोई भी शक्ति टिका नहीं सकती। दुर्भाग्य, घोर दुर्भाग्य, अब तो कोई आशा नहीं रहेगी। लगता है संसार से जाने से पहले मैं अपने राम का सुंदर मुख भी नहीं देख पाऊंगा। राम, राम। धैर्य रखे महाराज। क्या धैर्य रखूं गुरुवर, मैं संसार से प्यासा ही जाऊंगा। मेरे आधार प्यास से सूख रहे हैं और इन्हें जल से सींचने के लिए मेरा कोई भी पुत्र मेरे निकट नहीं है। तुम कहाँ हो राम? राम कहाँ हो तुम मेरे पुत्र? मैं गंगा जल लेकर आता हूं महाराज। राम, आइए वैद्यराज। मेरे पुत्र राम, राम। क्या हुआ स्वामी? देवी, पिताश्री मुझे पुकार रहे हैं। अनुज, आज्ञा दे भ्राताश्री। मुझे अपना कमंडल दो अनुज। पिताश्री, मैं आपकी पुकार सुन रहा हूं। पिताश्री, मैं जानता हूं कि प्यास से आपके होंठ
सूख रहे हैं। मुझे खेद है पिताश्री कि ऐसे समय आपके निकट रहकर मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, किंतु यह गंगा का जल भेज रहा हूं पिताश्री, जो आपकी प्यास बुझा देगा। महाराज, मैं ये गंगा जल दशरथ प्यास न कोई पहचाने, राम ही समझे राम ही जाने, राम समान पुत्र जो पाए वो दशरथ प्यासा क्यों जाए, वो दशरथ प्यासा क्यों जाए। मेरे प्राण छुक छुक जी हो, मेरे लाल स्वामी, नहीं महाराज, 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 स्वामी, महाराज, स्वामी, स्वामी, धाईमा, धाईमा, ये विलाप कैसा? ये विलाप तेरी उन बैरिनों का है जिन्हें हमारे भरत का युवराज बनना फूटी आंख नहीं भाया है, किंतु किंतु मुझे आश्चर्य है कि इतने विलंब से क्यों हो रहा है। ये तो उसी क्षण आरंभ हो जाना चाहिए था जिस समय हमारे भरत को युवराज बनाने का निर्णय लिया गया था। लगता है राम के वन जाने के उपरांत इनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया है, इसलिए अब विलाप कर रही है। माताश्री, क्या हुआ पुत्री, क्या हुआ माताश्री, क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? माताश्री, महाराज हमें छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? अयोध्या छोड़कर चले गए। अयोध्या छोड़कर गए होते तो कदाचित वापस भी आ जाते, लेकिन वो तो ऐसी यात्रा पर निकल गए हैं जहां से वापस आना असंभव है। माताश्री, असंभव है। माताश्री, महाराज हमें छोड़कर चले गए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज नहीं जा सकते,
महाराज नहीं जा सकते। मेरे पुत्र का तिलक किए बिना महाराज नहीं जा सकते। महाराज 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 माताश्री माताश्री महाराज 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 तुमने महारानी का रास्ता रोकने का दुस्साहस कैसे किया? जबकि हो बोलते क्यों नहीं? हटो मेरे रास्ते से। हम विवश हैं, आप भीतर नहीं जा सकती। क्यों? महाराज का अंतिम आदेश था आपको उनके शव के पास न जाने दिया जाए। पुत्री, बहुत शुभ समाचार है पुत्री। चुप कीजिए, मेरे पति के निधन को आप शुभ समाचार कह रही हैं? आप जानती हैं, मुझे तो उनके अंतिम दर्शन करने से भी रोक दिया गया। महाराज का निधन हो गया, ये तो बहुत ही अशुभ समाचार है। किंतु शुभ समाचार ये है कि पुत्र भरत लौट आए हैं। चल चल कर उनका स्वागत करें। नहीं जाला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बावली, होने को कौन रोक सकता है? जो होना था सो हो गया। अब तेरा पुत्र आ गया है, जब वो युवराज बन जाएगा तू राजमाता बन जाएगी। राजमाता को कौन रोक सकता है भला? चल चल मेरे साथ। नहीं भाई माँ। अरे चल ना। नहीं भाई माँ। चल। सैनिक, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम? तुमने सुना नहीं, भ्राताश्री तुमसे तुम्हारे रोने का कारण पूछ रहे हैं। सैनिक, क्या हुआ? प्रणाम माता। प्रणाम माता श्री। अपने पुत्र की आरती नहीं उतारोगी? लो। नहीं माता, आज ही अचानक मेरी आरती उतारने की कौन सी आवश्यकता आ गई? ना तो मैं अयोध्या का राजा हूं ना ही युवराज, जिसके लौटने पर उसकी आरती उतारी जाए। माता, मेरी आरती उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु माता, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आज समस्त भवन में शमशान जैसा सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। हर नेत्र से अश्रुधारा बह रही है। माता, कहीं कुछ अशुभ तो नहीं हुआ है? पुत्र, तुम मेरे कक्ष में चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। चलो। नहीं माता, माता जिस प्रकार नदी के निकट आकर प्यासे की प्यास और अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार अयोध्या में आकर
अपने भ्राताश्री के दर्शन की अभिलाषा मेरी और अधिक पड़ गई है। कई दिवस से मैंने उनका मुख नहीं देखा। माता, आप नहीं जानती मेरे मन की क्या दशा है। जब तक मैं अपने भ्राताश्री के दर्शन न कर लूं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। माता, आप जाएं, मैं अभी आता हूं। रुक जा पुत्र। नहीं माताश्री, माताश्री आप जानती हैं कि भ्राताश्री मेरे प्राण हैं। मैं जितने दिवस अयोध्या से दूर रहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता रहा जैसे मैं प्राण विहीन हो गया हूं। माता, अब इतने निकट आने के पश्चात भी मैं अपने भ्राताश्री के दर्शन न करूं, यह असंभव है। माता माता मुझे जाने दीजिए आप। रुक जा पुत्र, मैं तुम्हें अपनी सौगंध देती हूं। पहले मेरे कक्ष में चलो, फिर कहीं जाना। सौगंध? कहीं नहीं आई तुम्हारे साथ पुत्रवधु? वो तो सूचना सुनते ही वहां से चल दी थी माताश्री। फिर क्या हुआ ये हमें ज्ञात नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र, मैं तुम्हारी मां हूं। मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है और मैंने मां होने का धर्म निभाने का पूरा प्रयत्न किया है। माते, माते आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? और ये सब बताने की आवश्यकता क्या है? पुत्र, मैंने तुम्हारे पिताश्री महाराज दशरथ से ये वर मांग लिया है कि अयोध्या के युवराज राम नहीं, तुम होगे। क्या? नहीं माते, नहीं माते, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। कह दीजिए माते कि ये सब असत्य है। ये सत्य है पुत्र, अयोध्या के युवराज राम नहीं, तुम बनोगे। इस पद पर तुम्हारा अधिकार है। नहीं नहीं माते, नहीं। जिस भाई की चरण रज से मैं तिलक करता हूं, जिस भाई के पद चिन्हों को मैं पूजा स्थल समझता हूं, जिसका स्मरण किए बिना मैं रात्रि को नेत्र नहीं मूंदता, जिसका मुख देखे बिना मेरी भोर नहीं होती, माते माते जो भाई मेरा आदर्श है, मेरे जीवन का आधार है, उस भाई के स्थान को मैं ग्रहण कर लूं? नहीं माते, नहीं। ये सोचने का पाप भी मैं नहीं कर सकता। भावुक मत बनो पुत्र, ये निर्णय हो चुका है। ये निर्णय नहीं, ये अन्याय है माते, और मैं ये अन्याय कदापि नहीं होने दूंगा। मैं भ्राताश्री के पास जाकर कहूंगा कि ये निर्णय चाहे जिसने लिया हो, भरत इस निर्णय को अस्वीकार करता है। मैं इस महापाप का भागीदार नहीं बन सकता माते। राज मुकुट तुमको मिला, राम गए वनवास, अब जाकर पूरे हुए मेरे मन के आस। अनहोनी हानि हुई
लगा हृदय परवान, सुन कर माता के वचन भरत हुए निष्प्राण, भरत हुए निष्प्राण। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण, ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण।